Oh my god, is this scary? Good morning ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my channel. Actually, ये मेरा first official ride होगा on my new bike. जैसे कि आप जानते हो, मैंने Kawasaki H2 Carbon लिया है, तो this will be my first ever ride. और weather काफ़ी ख़राब है, मतलब थोड़ा झड़ी पड़ रही थी और लगा कि हम लोग आज कैंसिल कर देंगे, लेकिन राइड पे जाना ही है तो सब लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं. प्रेटी मच एक्साइटेड टू यू नो राइड दिस बीस्ट. वैसे चलाया हूँ लेकिन ऑफिशली आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ फर्स्ट राइड ऑन माय Kawasaki Ninja H2. तो चलो फटाफट से निकलते हैं. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट द इंजन नाउ. Let it get warm up now. तो ये है मेरी आज की राइड Kawasaki Ninja H2. वैसे काफ़ी ट्रेंड में चल रही है और हमने ट्रेंड मानकर नहीं लिया. बहुत बहुत साल से हम लोग ढूंढ रहे थे कि मेरी ड्रीम बाइक मिल जाए Kawasaki Ninja H2, और फाइनली मेरे हाथ में अभी है. ऐसा नहीं है कि चलो JSLM से ले लिया, YPM लोग वो 18 साल बच्चे ने ले लिया. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, this is my first official ride on my Kawasaki Ninja H2. Well, मुझे पता नहीं कि एंगल ठीक आ रहा है या नहीं, बिकॉज मैंने उसे सेट नहीं किया. और वैसे झड़ी बहुत बहुत ज़्यादा पड़ रही थी बेंगलोर में, तो थोड़ा लेट ही निकलना पड़ा. अभी लगभग 7:30 हो रहा है, तो ये थॉट विल लीव लिटिल लेट ताकि झड़ी थोड़ा कम हो जाए और हम लोग आराम से राइड कर पाए. लेकिन सीम्स लाइक इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप रेनिंग. ट्रैफिक भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगी बिकॉज थोड़ा लेट निकलते हैं. वैसे सुबह के 6:30 बजे तो निकल ही जाते हैं, अभी 7:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी यहाँ पे, तो रख लो कि लेट ही हो गया. वही अपना मीटिंग पॉइंट एसटीएम मॉल के पास सब लोग वेट कर रहे हैं और हमने सोचा कि पहले फ्यूल डलवा लेंगे, लेकिन पेट्रोल पंप लगता नहीं है यहाँ पे कहीं भी, तो देखते हैं कहाँ पे पेट्रोल पंप मिलता है. ऐसे गड्ढे उड्ढे आते हैं तो मजा ही नहीं चलता है चलाने का, एकदम से अनस्टेबल लगता है एंड थोड़ा डेंजरस भी लगता है, लेकिन क्या करें, अपने इंडियन रोड जैसे ही है ही ऐसे. तो वैसे इसमें लगा स्लिपऑन एग्जॉस्ट, फुल सिस्टम नहीं है रेस फिट का. कहाँ देखो वहां पे सुबह से कॉप्स, मतलब बैंगलोर में इतनी टाइट सिचुएशन चल रही है ना कॉप्स की कि कहीं भी चला जाओ तो बस पुलिस ही मिलेगी और फाइन लगाने में लगे हैं. तो वैसे डर ही लगता है कि सिटी में बाइक चलाने के लिए, बिकॉज अगर बाइक चला लो सिटी में तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही जाएगा. ऑलराइट, तो मेरी गाड़ी में फ्यूल हो गया है और बाकी सारे बाइक्स मुझे आगे मिलेंगे. पहले फिल पेट्रोल में पेट्रोल डलाता हूँ और उसके बाद उनको मिलता हूँ, बिकॉज पेट्रोल का रिस्क मैं लेना नहीं चाहता हूँ. और
रही बात, आगे ही पेट्रोल पंप है, बस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग फोटोज पकड़ रहे हैं बाइक के, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके ऑलराइट, आई थिंक एंगल ठीक ही आ रहा होगा, बिकॉज अभी मैंने देखा थोड़ा नीचे हो गया था। और लुक एट दैट, कैन यू लिसन टू द व्हिसल नाउ, ब्यूटीफुल वॉइस। वैसे इसमें मैं अभी तक कंफर्टेबल ही हूँ, बिकॉज एवरी गियर में पिकअप हो जाती है, तो थोड़ा धीरे ही चला रहा हूँ और आराम से ही चला रहा हूँ, मुझे रिस्क नहीं लेना अभी। तो लेट मी गो राइट लिटिल, आराम से चलाएंगे तो मजा मिलेगा धीरे धीरे एकदम। अरे यार ये देखो, अगर एक दिन में बाइक हाईवे पे लेके जाता हूँ तो रख लो 2000 का पेट्रोल। चलो ओपन करके देखता हूँ इसको। अभी तुमने जो देखा है अनबिलीवेबल। मैंने फर्स्ट गियर उठाया था, सेकंड गियर उठाया और थर्ड गियर में उठने वाली थी, तो ये रिस्क अपन नहीं उठा सकते हैं। बस ओ माय गॉड, लुक एट दिस। अभी शेल पेट्रोल पंप चला राइट में आएगा, सो आई एम वेटिंग, वेयर इज इट, आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली शेल पेट्रोल पंप कम्स। जल्दी से पेट्रोल भरवाएंगे और निकलते बनेंगे यहाँ से। ऑल राइट, पेट्रोल भरवा दिया है 500 का और देखते हैं कहां तक जाती है। वैसे थोड़ा स्लो जाऊंगा तो इसमें एग्जॉस्ट का साउंड उतना सुनाई नहीं देता है, इट बिकम स्वीट हो, एंड जैसे ही मैं थोड़ा ओपन करता हूँ बाइक को, इट बिकम लिटिल पावरफुल। ये देखो मामू यहाँ पे ही खड़ा है और जैसे ही आवाज सुनते हैं तो अलर्ट कर देते हैं सबको, वही दिक्कत होती है यहाँ की। एट थाउजेंड पे आने पे ये व्हिसल सुनाती है, देयर इज अ स्वीट व्हिसल कमिंग आउट 8000 आरपीएम, और ये बूस्ट का बैंड बताता है यहाँ पे कितने में चल रही है। माय गॉड, रोड्स तो देखो, वैसे 8000 आरपीएम के बाद दिस बिकम्स अ मैड बीस्ट। मेरे फ्रेंड्स वहां पे वेट कर रहे हैं, आई थिंक दे आर द वन, बिकॉज़ दे आर टेलिंग दे गोना स्टैंड देयर।